दोस्तों सीटेट जुलाई में होगा कि नहीं होगा इसको लेके काफी क्वेश्चन है। सीटेट क्या अब साल में एक ही बार होगा या दो बार होगा इसको लेके काफी क्वेश्चन है। सीटेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसको लेके काफी क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको जवाब भी मिल रहे हैं इधर उधर इधर। मैं आपको समराइज करके क्लियरली सब बात बता रहा हूँ अभी के सिचुएशन के हिसाब से। सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं हूँ दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। सबसे पहली बात की सीटेट क्या साल में दो बार होगा या एक ही बार होगा। देखिए जब भी सीटेट साल में एक बार भी हुआ है या दो बार भी हुआ है कभी भी हुआ है तो ऐसा कोई भी आपको क्या कहते हैं ऑफिशियल ये नहीं बोला गया है कि हम एक बार ही लेंगे या दो बार लेंगे। सीटेट अपने हिसाब से दो बार ले रहा था तो हम इस पैटर्न को समझ रहे थे कि सीटेट वर्ड्स में दो बार होती है, हमने ये बात बोला। लेकिन ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन होता है और आप पिछले साल पेंडेमिक था तो नहीं भी हुआ। तो सीटेट साल में दो बार होना है तो जुलाई में होगा ही, अब नहीं होगा तो फिर आगे कभी नहीं होगा। इस तरीके का कोई भी आप अपने माइंड में कोई डिसीजन या कोई भी एक ग्राफ मत बनाइए कि सीटेट अब साल में एक ही बार होगा या सीटेट साल में दो बार होगा या क्या होगा दिसंबर में नहीं होगा जनवरी में ही होगा। हर बार सिचुएशन पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, जब भी उनका सिचुएशन बनता है उस हिसाब से वो लेते हैं। इस पे ना ही कोई रिटेन ये है कॉन्ट्रैक्ट है ना ही उनके ऊपर कोई दबाव है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन वो लेते हैं, उनका अपना सीबीएसई का पैटर्न है। तो क्या आगे साल में दो बार होगा? ऑनलाइन होगा। देखिए अभी तक के हिसाब से ऑनलाइन होगा आगे, क्योंकि ऑनलाइन अब स्टार्ट हो गई है तो आगे भी ऑनलाइन होगी, इस पर मैंने आपको पहले भी बताया था। जहां तक साल में दो बार की बात है तो अभी पहली बार ऑनलाइन हुई है, तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि हो सकता है कि ये सेटल डाउन करने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि जुलाई में अगर होनी होती तो नोटिफिकेशन अभी आ जाती, तो फॉर श्योर अभी जुलाई में नहीं होगी जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अब जुलाई में नहीं होगी तो अगस्त सितंबर में लेने का मतलब नहीं है, फिर वो दिसंबर में लेंगे क्योंकि पैटर्न खराब होगा। ये सब हम लोग अपनी एनालिसिस करते हैं तो पैटर्न खराब होगा क्योंकि फिर वो फिर दिसंबर में कैसे लेंगे, अक्टूबर में ले लेंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार के लिए कहा जा रहा है कि सीटेट हो सकता है कि अब आगे जो है दिसंबर में ही हो, ठीक है। लेकिन अगर उनको हो सकता है कि वो अक्टूबर में ही ले लें फिर आगे फिर मई में ले लें, तो ऐसा उन्होंने कोई ना तो प्रूफ बताया है और ना ही कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। काफी लोग आपको काफी तरह की बात बता रहे होंगे, कई लोग जैसे कि जो कि मैंने खुद सीबीएसई ऑफिस में बात की है, मेरे खुद पहचान के कुछ लोग हैं उनसे पर्सनली भी बात की है। तो आपको देखिए कहीं पर भी रिप्लाई क्या मिलता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे आरटीआई फाइल करिए, चाहे आप ऑफिशियल फोन करिए, चाहे आप ऑफिस जाके चले आइए, आपको क्या जवाब मिलता है? कहीं पर भी कोई भी वीडियो देख लीजिए, एक ही जवाब मिलता है। सीबीएसई ऑफिस वाले सबको यही बोलते हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं, इस पर वार्ता चल रही है, हम देख रहे हैं और जैसा होगा आपको अपडेट किया जाएगा। किसी भी आप बता दीजिए किसी भी चीज में, अगर वो डायरेक्ट बोल दिया हो कि नहीं हम 15 दिन में नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, नहीं एक वर्ड वो बोल सकते कि हाँ जल्द हम सूचना देंगे। अब सूचन जल्द मतलब क्या होता है? जल्द का मतलब 15 दिन होता है कि 2 साल होता है कि 2 महीना होता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। सूचना देंगे का मतलब ये नहीं होता कि फॉर्म ही निकलेगा, इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो समराइज मैं आपको ऐसे ही करना चाहता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बार होगा कि दो बार होगा, है ना। नॉर्मल अगर सब कुछ विद इन अ मंथ सॉर्ट आउट हो जाता है तो वर्ष में दो बार वो कराते हैं, लेकिन अभी पैंडामिक के कारण रूटीन खराब हुआ है और ऑनलाइन लेने के कारण भी रूटीन खराब हुआ है, क्योंकि एक महीना एग्जाम चली है, चीजें अभी पहली बार हो रही है तो काफी चीजें हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा डिले हो जाए या दिसंबर में हो जाए। आगे से अगले साल से ये भी हो सकता है कि वो वर्ष में दो बार कराए या हमेशा एक ही बार कराए, तो ये उन पे कंप्लीटली निर्भर करता है और ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई आपको बता रहे तो झूठ बता रहे हैं। दूसरी बात कि ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन, तो ज्यादातर संभावना अब यही है कि ऑनलाइन होगी। तीसरी बात कि फॉर्म आएगी कब, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फॉर्म जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पे है, मैंने एनालिसिस करके पूरा बताया था कि जैसे पिछला पैटर्न देखिए या पिछले 2-3 साल का भी पैटर्न देखिए, तो जिस तरीके से 3 महीने पहले वो नोटिफिकेशन निकाल देते थे, 4-5 महीने पहले बता देते थे, तो उस हिसाब से जुलाई का तो अभी तक आ जाना चाहिए था, नहीं आया है तो सीटेट तो ऐसा है नहीं कि 15 दिन में कर देगा, कर भी नहीं सकता है। और फिर ऑनलाइन एग्जाम उतना का लेना हो 1 महीने का तो वो संभव नहीं है। तो उसके मतलब क्या वो अगस्त सितंबर, अगर मान लीजिए हम चाहें कि 1 महीने बाद वो नोटिफिकेशन निकालेगा या आज कल में निकालेगा, तो क्या वो अगस्त में लेगा सितंबर में लेगा? जो कि मुझे संभावना नहीं लग रही। तो आप कुछ भी करिए, क्योंकि मैंने पहली बार जो है पहला जो वीडियो बनाया था वो मैंने सीबीएसई ऑफिस में बात फोन करके बनाया था। उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाया है अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैंने
कुछ लोगों के आरटीआई भी देखे हैं, कुछ लोगों से ऑफिशियली बात भी की है जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ लिंक हमारे रिलेटिव्स में थे उनसे बात की है, सब मिला के मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी कहीं पर भी इसका कोई 100% जो है स्टाम्प लगा हुआ ये नहीं है कि एक ही बार होगा या अभी आ ही जाएगा, क्योंकि मैं यहां पर कोई भी चीज उन्होंने क्लियर नहीं बोली है, जो भी मैंने अभी समराइज की है वो अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर और उनकी बात जो भी है उसके आधार पर की है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्जाम मुझे नहीं लगता है कि अब जुलाई में होगा, इसकी कम संभावना है, और बाकी वर्ष में एक बार या दो बार, कभी एक बार भी हो सकता है, कभी दो बार भी हो सकता है, और ऑनलाइन होगी, ये तीनों बात का उत्तर आपको मिल गया होगा मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी बात आपके लिए करेक्ट होती है या ऑनेस्ट होती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।